आपको मेरी बाइक की भी आवाज आ रही होगी, गड़ 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 गड़। और ज्यादा इको हो रही है पहाड़ों में। अच्छा मैंने अभी तक नोट पता क्या करा है, यहाँ सबसे ज्यादा ना ऑल्टो और मोटी 800 चलती हैं। मारुति 800 और ऑल्टो को यहाँ पे बर्गर के है, सबके पास आई थिंक वही है। फिर वो ऑल्टो ऑल्टो सबके पास वही है मारुति 800। अरे सुबह पता क्या हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी अपने कैमरे की जब होटल से निकल रहा था, और मतलब जब शिमला से निकला पूरे होटल में कौन सा होटल में रुका हूँ, और अपने होटल के विंडोज में व्यू भी दिखाया था, कंप्लीट टॉप पर माउंटेन पे बना हुआ था, बहुत ही अच्छी लोकेशन थी वहाँ से। और देखो तो रिकॉर्डिंग बटन ऑन ही नहीं करा, तो कैमरा तो ऑन था बट रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुई है, बस यही प्रॉब्लम हो गई। अब मैंने यहाँ पर रुका था तो देखा मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं है। माउंटेन्स देख रहे हो आप सब, तब एक बार जरूर आना चाहिए, गाड़ी से आओ बाइक से आओ जैसे भी आओ आओ, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी। पैदल मत आ जाना, गाड़ी या बाइक से ही आ सकते, पैदल कहीं आ जाओ। लोग भी काफी अच्छे हैं। मैंने ब्रेकफास्ट करा तो उसमें मेरा 90 रुपीज का बिल बना था, तो उनके पास 10 रुपये चेंज नहीं थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं रख लो, कह रहे नहीं 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 आप लेकर के जाओ आपके काम आएंगे आगे, तो उसने दूसरी शॉप से लेकर के दिए। नीचे देख रहे हो ट्रैकिंग बनी हुई है नीचे, इन्हें बोलते हैं ब्लाइंड ट्रक, जहां मैं नहीं दिख पाता ना कि सामने से कोई आ रहा नहीं आ रहा, वहां जरूर हॉर्न देना चाहिए। ये बात सीखी थी मैंने टर्नोल्टी में, वहां जगह जगह लिखा हुआ है ब्लाइंड टर्न ब्लाइंड टर्न। फिर नीचे भी मैकेनिक को दिखनी पड़ेगी, टाइप जाम हो गया है काफी ज्यादा गर्म नहीं पड़ी थी। पता क्या हुआ, जिस रोड पर मैं आपको बता रहा था ना कि जिगजैग वाली रोड है और ब्लाइंड टर्न होता है, वहाँ पे देख के चलो, ये गूगल पे तो भरोसा करना नहीं चाहिए। गूगल मैप ने मेरे को दिखाया लेफ्ट, मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया और कम से कम मैं 5 किलोमीटर तक नीचे आ चुका था पहाड़ी से,
उसके बाद जा करके मुझे लगा शायद ये मैं गलत जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई मेरे को मिला। एक तो पूरी रोड पे कोई भी नहीं था, कोई मुझे मिला अंकल, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा आप गलत आ गए हो और आगे तो रास्ता बंद है। इसी वाले रोड पे वो रास्ता आता था ऊपर कि आगे तो वो रास्ता बंद है। मैंने कहा अरे यार शेट। फिर 4-5 किलोमीटर में वापस आया, अब जा करके सही रोड पे आया हूँ। मेरा बहुत मन था, बहुत हमेशा से मन करता था कि बाइक पे ना लंबे टूर पे जाओ, लॉन्ग रूट पे जाओ। और रॉयल एनफील्ड का तो शौक था ही, मैंने फिर रॉयल एनफील्ड ली और मैं अभी तक इस पे 4 ट्रिप कर चुका हूँ। ये वाला सबसे लंबा है, इससे पहले मैंने करा था गुड़गांव देहरादून, गुड़गांव से देहरादून, और देहरादून से ये डनोल्टी, डनोल्टी से टीडी डैम, फिर वापस आता मैंने ऋषिकेश में स्टे करा था उस दिन। उसकी भी मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में थोड़ी सी फोटो वोटो दिखाई थी, बस ज्यादा कुछ था नहीं, मैंने पहले वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। मैं हूँ बड़ा जिद्दी, मेरे को सच में मना करा था कि मत जा अभी, मैं नहीं जाऊंगा। अब मेरे को पता नहीं कहाँ आया हूँ, देखो आप कितना नीचे है। फल फ्रूट की मार्केट जा रही है सेल हो रही है। ये होता लुक कलरफुल ब्राउन ग्रीन, जो इस राइड से रिलेटेड मैंने जो भी गैजेट परचेस करे हैं ना, राइडिंग गियर जो भी परचेस करे हैं, उन सब की मैंने वीडियो बना ली है। सो इस पूरे ट्रिप के बाद मैं उस वाली वीडियो को अपलोड करूँगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा आप सबको। बाइक के साउंड आ रहा है आगे फ्रंट व्हील से, और दूसरा सुबह सुबह सीन भी हो गया, मतलब पूरी सारी रिकॉर्डिंग करी और कैमरा ऑन करा नहीं मैंने। चलो कोई नहीं, अब मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग कर तो दी थी स्टार्ट, अब तो हो रही है।
और वैसे आप मेरे को ना मतलब फेसबुक और मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या देखना कहीं स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी चल ही रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं अराउंड 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा धर्मशाला, है ना। तो बाकी वीडियो वहाँ बनाऊँगा, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरे कैमरे की बैटरी डाउन ना हो जाए, अभी भी 2 सेल है, उसके बाद देखते हैं। मैंने आज मतलब धर्मशाला के लिए जब से मैं निकला हूँ मैंने 4-5 स्टॉप ले लिए, लेट पहुँचूँगा। अभी 4 बज रहे हैं, 4:15 का टाइम हो रहा है, और मे बी मैं 6:30 तक पहुँच जाऊँगा, अगर रोड ऐसी मिली तो उससे भी पहले पहुँच जाऊँगा। बहुत टाइम से मेरा मन था, ड्रीम था एक तरीके से, कि ऐसे ऐसे बस पहाड़ों में बाइक चलाना। एक प्रॉब्लम और आ गई है, मैंने बोला था आज 6 बजे में वीडियो डाल दूंगा शिमला वाली, और नेटवर्क आ ही नहीं रहा। तो जो ऐप से मैं वीडियो एडिट वगैरह करूँगा वो प्रॉपर नहीं चल पा रही, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज नेटवर्क इशू है। अब मुझे ठंड लग रही है, मतलब इसके नीचे मैंने टी शर्ट डाली हुई है, और कल मैंने इनर की पहन जैकेट के अंदर ना एक वार्मर इनर है वो हटा दिया था मैंने, लेकिन आज वो भी लगा लिया, उसके बाद आज लग रहा है कि हाँ ठंडा है। अब देखते धर्मशाला में कैसा माहौल है। लगता है मेरे को ना बाइक चेंज करके वो लेनी पड़ेगी हिमालयन, बड़ी मस्त बाइक है ओवरऑल, वो एक ऐसी बाइक है कहीं पर भी ले जाओ उसको। अरे वाह, शीशा देख रहा हूँ, पीछे का व्यू ठीक से नहीं आ रहा, ये वाला शीशा था ये वाला। अभी मेरा कैमरा बंद था, मैंने ऑन नहीं करा, और पीछे मेरे को रॉयल एनफील्ड का सफर है। अंकल अंकल क्या कर रहे थे, सर्विस सेंटर मिल गया मेरे को रॉयल एनफील्ड का, और मैंने वहाँ से सर्विस करवा ली है, और जो प्रॉब्लम आती थी वो भी करवा ली है। वहीं पर ही मेरे को सर्विस सेंटर में यहाँ के कुछ लोकल मिले, उनसे काफ़ी मैंने बातचीत वगैरह करी, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करा है, और उन्होंने मेरे साथ एक पिक भी क्लिक करवाई है, वो मैं वीडियो के एंड में डालता हूँ। वैसे ये वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, धर्मशाला तक जा जाते मेरा वैसे भी कैमरा ऑफ हो जाना है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।